और दोस्तों कुंडली भाग्य का आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए घना ही दिलचस्प देखने को मिलेगा दोस्तों, जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से इस समय कहानी में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। बात की जाए इस वक्त की, तो सभी लोग जानते ही हैं कि प्रीता इस समय अपने बच्चे के साथ में यानी राजवीर के साथ में मुंबई वापसी लौट रही हैं। लेकिन दोस्तों मुंबई में जो मुलाकात होने जा रही है वो किसी और से नहीं बल्कि जल्दी ही ऋषभ और करण की फैमिली से ही मुलाकात होने जा रही है प्रीता की। क्योंकि दोस्तों प्रीता सब कुछ हालांकि भूल चुकी है, क्योंकि प्रीता को बहुत ज़्यादा जख्म दिए थे इन लूथरा हाउस में। जी हाँ, क्योंकि सृष्टि को इस चीज़ का डर है कि दीदी पहले की तरह टूट ना जाए, पहले की तरह फिर से इमोशनल ब्लैकमेल ना हो जाए। क्योंकि दोस्तों काफ़ी दौड़े पड़ने भी स्टार्ट हो गए थे प्रीता से, क्योंकि दोस्तों प्रीता से वो इन लोगों ने छीना है जो उम्मीद भी नहीं की थी। लेकिन ऋषभ जानता है कि प्रीता की कोई गलती नहीं है, लेकिन करण आज भी ये ही मानता है कि प्रीता ने मेरी एक हंसती खेलती दुनिया में जो कि आग लगा दी है। लेकिन दोस्तों वैसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जल्दी ही कहानी में एक बार फिर से एक ऐसा नया ट्विस्ट देखने को मिलेगा जिसमें आप लोग जानते ही हैं कि इस समय सभी लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हैं, सभी लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए और सहमे हुए भी हैं। क्योंकि लोग जानते हैं कि कब क्या कैसे और क्यों हो जाए। आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जल्दी ही आप लोगों के बीच में एक और नया ट्विस्ट देखने को मिलेगा जिसमें आप लोग जान पाएंगे कि किस तरीका से, अगर बात की जाए इस समय अर्जुन की, तो अर्जुन सबसे ज़्यादा कंफ्यूज नज़र आ रहा है। क्योंकि अर्जुन को पता है, अर्जुन का मतलब करण को सब कुछ पता है कि आखिरकार मेरे साथ में क्या क्या हुआ था, प्रीता ने मुझे क्यों छोड़ कर गई थी। लेकिन दोस्तों उसमें अर्जुन की या प्रीता की गलती नहीं है, बल्कि उसमें पूरी तरीके से राखी माँ और इधर बात की जाए तो करीना बुआ की है। क्योंकि इन दोनों ने ही प्रीता को इस घर से निकाला था, वो भी हाथ खींच के। साथ ही दोस्तों मेरा नाम है रोहित नागर, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक करें एंड कॉमेंट करके आप लोग मेरे को ज़रूर बताइएगा।